बिजनेस स्टार्ट करने में काफ़ी चैलेंजेस होते हैं, तो आई एम श्योर आपने भी काफ़ी चैलेंजेस का सामना किया होगा इस बिज़नेस में, तो वो ऐसे कौन से चैलेंजेस थे सर? चैलेंजेस तो बहुत आते हैं। अब आज मैं उन चैलेंजेस को याद करता हूँ तो अब मजाक लगता है कि छोटे छोटे चैलेंजेस पे भी कितना हम डर गए, कितना हम मतलब 2006 में एक चैलेंज तो ऐसा आया कि मैंने शुरू मतलब नवंबर दिसंबर 2003 में मैंने बिज़नेस की शुरुआत की। शुरू में बहुत अच्छा चला, हम सब लोग मतलब जो मेरे सारे पार्टनर्स थे हम महीने का 4,000-5,000 रुपये सैलरी कमाते थे। अब कंपनी में लाखों रुपया हर महीना आना शुरू हो गया, शुरू में ही सक्सेस मिल गया, एक 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 स्किल डिस्कवर हो रही है। हम सब टेक्निकल थे, टेक्निकल से सेल्स करना सीख लिया, फाइनेंस सीख लिया हमने, मतलब पूरा मार्केटिंग सीख लिया, ऑनलाइन मार्केटिंग हमको आने लग गया। अब ये सब चीज़ें आने लग गई, पैसा भरपूर आने लग गया। अब वो पैसा जब अचानक से आने शुरू होता है तो खर्च भी आपके बढ़ना शुरू हो जाते हैं। बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हायर कर लिए, देखते देखते 2 साल में 60 लोगों की कंपनी हो गई। अभी अचानक से एक समय ऐसा आया, मैंने जब डिसीजन लिया, ये मेरी ही सोच थी कि मेरे को आउटसोर्सिंग पे नहीं जाना है, BPO बिज़नेस नहीं करना है, मैं करूँगा तो प्रोडक्ट बिज़नेस करूँगा, अपनी खुद का ही मतलब वेब होस्टिंग बिज़नेस करूँगा या डेटा सेंटर बिज़नेस करूँगा। अभी ये सारी चीज़ें मैंने सोच ली, लेकिन हुआ ये कि जो कस्टमर्स जो थे हमारे BPO बिज़नेस के जो कस्टमर्स थे वो एक 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 करके बाहर जाने लग गए। जो बचे थे वो पे नहीं कर रहे, बोले नहीं हमारे पास में इस बार पैसा नहीं है तो हम पे नहीं करेंगे। तो मार्च से लेके तो अक्टूबर 2006 तक का पीरियड ऐसा था कि एक भी कस्टमर ने पेमेंट नहीं दिया, और हर महीने के खर्चे तो लग गए, 60 लोगों की सैलरी देनी है। अभी उन 60 लोगों में से भी जो देख रहे थे कि अब बिज़नेस शायद से लंबा नहीं चलेगा, एक 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 करके बाहर निकलना शुरू हो गया। तो देखते देखते 60 से हम 60 से हम आ गए 25 के ऊपर, लेकिन वो 25 जो थे उनको विश्वास था कि ये कुछ ना कुछ कर लेगा, कंपनी को बचा लेगा, कंपनी कहीं ना कहीं से आगे निकल पड़ेगी। और फिर नवंबर 2006 का पीरियड एक ऐसा आया कि जिन सब चीज़ों के ऊपर मैंने काम किया था, लगातार मेरी टीम को लेके मैंने काम किया, मेरी टीम को मैंने डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर हमने लगाया। गूगल उस वक्त नया नया था, तो मैंने बोला कि नया गूगल है और ये गूगल बहुत ज़ोरों में आगे चल के हिट होने वाला है, लोग सर्च इंजन में सर्च करने वाले हैं, हमको गूगल को डोमिनेट करना है। और हमने ऐसी मतलब सारी टेक्निक से अप्लाई करी, सारे फ्रेशर्स लेके आया मैं, कोई नॉलेज नहीं किसी को भी, सबको बोला चलो ढूंढो गूगल के ऊपर आगे आने के लिए क्या करना पड़ेगा। हमने विकीपीडिया को ढूंढा, विकीपीडिया में अपने लिंक्स डालना शुरू कर दिए, ब्लॉग्स तब नए नए थे, ब्लॉग्स में अपने लिंक्स डालना शुरू कर दिए, उन सब जगहों पर हमारी कंपनी के URLs आना शुरू हो गए। हम करे जा रहे, रिजल्ट्स नहीं आ रहे। 6 महीना हो गया, मार्च 2006 से शुरुआत करी, अक्टूबर 2006 आ गया, कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है। सब लोग पूछ रहे हैं बॉस हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, होगा, शांति रखो, कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। हम दोपहर में 2 बजे बैठते सारे और अगले दिन सुबह 6 बजे उठते, फिर पूरी टीम मेरी 2 बजे आती, फिर अगले दिन सुबह 6 बजे उठते, ऐसे कुछ हमने लगातार वो 6 महीना हमने किया। और जब अचानक से दिवाली ख़त्म हुई और दिवाली के बाद में एक पीरियड ऐसा आया, हर तरफ हमारी URL है, UK वेब होस्टिंग सर्च करो, UK होस्टिंग सर्च करो, जो भी सर्च करो हमारी UK कंपनी टॉप पे दिख रही है। और देखते देखते हमारे हर दिन 25, 30, 35, 40 ऑर्डर्स आना शुरू हो गए। डिलीवर कैसे करेंगे यहाँ तक हमको टेंशन आने लग गया, इतने ऑर्डर्स आना शुरू हो गए। फिर तो क्या था कि अगले 3 साल तो हमको पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, इतना हमको सक्सेस आया अगले 3 साल। तो ये जो है कि मेहनत आपको करनी है, बहुत एफर्ट डालना है और पॉजिटिव सोच रख के डालना है। कई बार क्या होता है कि हर सिस्टम में एक लेटेंसी होती है, एक ब्योयंसी होती है कि आप कुछ करने जाते हो, जैसे पानी को आप गर्म करना शुरू करते हो, मैंने गैस पे रख दिया, गैस का टेम्परेचर 1000 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन पानी तुरंत भाप नहीं बनता है, समय लगाता है अपना, वो उबलेगा और उसके बाद में धीरे धीरे उसमें से स्टीम बनेगी, एक झटके में स्टीम नहीं बनती। तो हर चीज़ को एक अपना शेप चेंज करने में टाइम लगता है। ये चीज़ मैंने सीखी कि जो फेलियर आता है इनिशियली, वो फेलियर को भी हमको डाइजेस्ट कर लेना है, जो सक्सेस आ रहा है उसमें भी बहुत ज़्यादा आपको मतलब जंप छलांगे नहीं मारना है, नहीं तो वो सक्सेस, हमने जो खर्चे बढ़ाना शुरू कर दिए थे वो गलत था, खर्चे इतना फास्ट नहीं बढ़ाना चाहिए थे। तो ये सारी चीज़ें स्टार्टअप्स को बहुत ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि हमको शुरू में ही संभल के प्रोग्रेस करना चाहिए। मुश्किलें आती रहती है, वे कभी समाप्त नहीं होती है, पर जरूरी है कि हम संयम बनाएं। एक उद्योगपति के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि कितना विस्तार करें,
किस गति से विस्तार करें और सफलता आने पर तुरंत खर्चे न बढ़ाएं, उन्हें सीमित रखें। आप इसमें से किस बात से सहमत करते हैं हमें जरूर बताएं। आगे अभी और भी जानने को है, समझने को है इस सफर के बारे में, तो बने रहें हमारे साथ अगली वीडियो के लिए।